और गाइस ये आज बच्चे जो कि जो है तिहार मेला मेला लगता है यहाँ जेती बोला जाता है। ये देखो जो कि हल्दी लगाई जाती है, पूरे शरीर में हल्दी लगाई जाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपसे मेरे न्यू ब्लॉग में। गाइस मैं छू उत्तराखंड एंड खूबसूरत पहाड़ों पे और मेहर गांव नाम छा मैकड़ा। तो चलो गाइस आज ब्लॉग का शुरुआत करूँ। और गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा, अभी मैं हूँ पिलखी गांव में जो कि है भाकुड़ा सालदे के पास में ही। तो मैं आया हूँ यहाँ जैती देखने के लिए, क्योंकि कल आज जो है अठवाड़ है, आज जो है अठे को है देघाट में। तो गाइज आज हम भी शामिल होंगे, जैती जा रही है यहाँ से पिलखी गांव से जो कि जाएगी देघाट और जो होने वाली है पैदल, जो कि होने वाला है 10-12 किलोमीटर का पैदल रास्ता। तो हम भी चलते हैं वहीं, फटाफट से चलते हैं उनके घर पे और वहाँ से उनके साथ शामिल होते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ मैं देघाट तक का पूरा सफर। और इसको बोलते हैं जैती, जो कठड़ा है उसको जैती का कठड़ा बोला जाता है। और देखिए भाई, ये देखिए भाई, गजब है भाई। तो ये सीधा हम देघाट जाने वाले हैं सब। Thank you.
तो भाई अभी 2-3 किलोमीटर का सफर तो हो गया है, अभी 10 किलोमीटर लगभग और है यहाँ से देघाट पैदल। और हम भी ठंडी जाति में शामिल हैं तो हम भी जाएंगे पूरे देघाट तक पैदल, कोशिश तो करेंगे पूरा पैदल जाने की। ये यात्रा होने वाली है देघाट तक की, अभी रह गया 9 किलोमीटर और है देघाट यहाँ से, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। देघाट में जो मेला हो रहा है उसमें जा रहे हैं, हम भी शामिल होने का मौका हमें मिला है। तो ये जैती जा रही है पिलखी गांव से, तो इसमें शामिल होने का मौका हमें भी मिला है। ये सफ़र होने वाला है देघाट तक का, पैदल सफ़र होने वाला है और यहाँ से रह गया 9 किलोमीटर और है, तो चलो चलते हैं फटाफट से। और गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये कचरा वहाँ ले जाया जा रहा है इसकी जो है बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि बलि प्रथा हो गई अब बंद। तो ये जो है मंदिर समिति को सौंप दिया जाएगा वहाँ जाके, मंदिर समिति इसका जो करना होगा वो करेगी, शायद वो बेच देते होंगे मेरे को यही लगता है। तो चलो चलते हैं फटाफट से आगे। और गए पैदल आते आते 7-8 किलोमीटर पैदल चल दिए हम, 5 किलोमीटर और रह गए देघाट। और गए अभी हम पहुंच गए पत्थर खोला में, तो यहाँ पे एक पानी वाला ब्रेक चल रहा है, सब लोग पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। चलिए यहाँ से और गाइस यहाँ देखो नीचे फर्स्ट क्लास से गेहूँ हो रही है नीचे, भाई गेहूँ की खेती हो रही है नीचे पूरी। ओ उधर जाना है अभी, बहुत दूर 3-4 किलोमीटर जाना है अभी। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके पालपुर। और गाइस ये है नीचे रामगंगा नदी किनारे किनारे जा रहे हैं हम। और गाइस एक फिर जैती लेके आगे पीछे से, वो देखो सामने से आ रहे हैं, वो देखो सामने से दूसरी जैती भी आ रही है भाई। और गाइस ये है हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र नंगारा रोटी और रणसिंगा, और वो हैं सरंकार बोलते हैं हमारे वहाँ उधर। ये देखो गाइस एक और मिल चुका है हमको तीसरा, एक और सामने देखो एक जैती वो सामने भी खड़ा है, ये तीसरी जैती मिल चुकी है हमको, तो आगे और देखते हैं अभी कितने मिलेंगे। और गाइस हमारी जैती पहुंच चुकी है फाइनली देघाट में, ये देखो देघाट, और ये देखो भाई बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा आ गया। We'll be right back.
नीचे बोटिंग, ये देखो भाई बोटिंग चल रही है। और गाइस हम आ चुके हैं मंदिर में, देघाट मंदिर में आ गए भाई हम। और गाइस हम आ चुके हैं देघाट मंदिर में। वो सामने देघाट का मंदिर, माता का मंदिर। और गाइस बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है भाई लाइफ का, मजा आ गया भाई। और सब लोग नाचने लगे, सब के दिल पे जय।
खड़ा हो गया भाई, थक गया भाई, खड़ा थक गया। सभी आराम कर रहे हैं सब लोग, और धूप की चमक लग रही है भाई, बहुत खतरनाक है, एकदम घाटी में है ना। तो भाई कचड़ा भी यहीं पे रहेगा, इसको आ गया बाय बाय करने का टाइम, तो इसका काम हो गया यहाँ पूरा। अब जो भी है मंदिर समिति इसका करेगी, मंदिर समिति को सौंप दिया गया है, तो हम चलते हैं यहाँ से मेला देखने के लिए। बाय बाय कटिया। और यहाँ आ गए बड़े बड़े झूले भाई, थक के सब लोग आ चुके नदी में हाथ मुंह धोने के लिए। ओहो सब थकार के नदी में आ गए भाई हाथ पैर धोने के लिए। मेले की रौनक, खूब भीड़ हो गया है मेले में। और गाय मस्त करके होते हैं, और गाय मस्त करके होते हैं माता रानी के दर्शन। तो आप चलते हैं इधर घूमने के लिए। मेले का फुल मजे ले रहे हैं लोग, भीड़ बहुत है, बच्चे ले रहे भाई, खूब मजे कर रहे हैं बच्चे। ये भी आ गया भाई जैती, और ये और गाइस अब यहाँ से बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ से चल जाए घर को, क्योंकि शरीर से बहुत थके हुए। बाय।